एक ऐसी दहशत बन चुका है जिसने पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया है। WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद इसने 1.25 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान, इराक और चीन के बाद ये भारत में भी अपने पैर पसारते नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं सिटी ग्रुप के स्टूडेंट से कि वो इस बारे में कितना अवेयर है। आंसर, आप कोरोना वायरस के बारे में कितना ज़्यादा अवेयर है? क्योंकि जो विश्वव्यापी ऐसी गल्ल करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर हो, एक मुल्क की घटना कित भी हो रही होजा मुल्क तो बांझा नहीं रह सकता। इस करके जिन्हें लोग कॉन्शियस है अकेडमिक खेत्र है, सारे पता भी कोरोना वायरस क्यों तो किमें हो रही है। इस महामारी का हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि आपको पता है, इंडिया का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल चाइना से आता है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट चाइना के है। अब कोरोना वायरस होने के कारण हमारे एक तो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया, जिससे कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, प्लस इंडिया में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जहाँ पे जो चीज़ 10 रुपये की है, वो चीज़ 30-30 रुपये की मिल रही है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप उसके बारे में अवेयर हैं? यस मैम, मुझे लगता है कि जो भी सरकार ने डिसीज़न लिया है, बहुत ही वाइज डिसीज़न है, क्योंकि इससे ये लगता है कि 15 अप्रैल तक जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल रहेंगी। इससे हमारी कंट्री का बचाव भी होगा, और वो जो भी वहाँ से इन्फेक्टेड पीपल आ रहे हैं, उनसे हमारी कंट्री का बचाव भी बना रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही वाइज डिसीजन है। जो कोरोना वायरस है, ये कोई एक वायरस नहीं है, ये बहुत सारे वायरस से मिल के बना है, और इसका जो ओरिजिन है वो या तो स्नेक से है या फिर बैट से है। बैट से इसलिए क्योंकि ये ना सार्स वायरस से बहुत कोरिलेट करता है, जो कि बहुत पहले चाइना में ही फैला था, उस वजह से इसको कोरोना वायरस कहते हैं। सर, जो हमारे जो कोरोना वायरस है, उसका जो हमारी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सब तो पहले तो शेयर मार्केट थले आ रही है, जिसे तक जो तकरीबन अज प्रेजेंट डेटा आया है 22 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का डूब चुका है। तो एक अफवाह ने पूरी शेयर दुनिया की जो शेयर मार्केट है वो थले कर दी हुई है, जिस करके कई बैंक्स भी डूब रहे हैं, कर्जा भी ज़्यादा हो गया। तो GDP तो ऑलरेडी 2.5% से सी, पर जो हम हालात बन रहे हैं, जो इन महामारी घोषित कर दी गई, तो वो करके पूरा माहौल है। तो मैं यही कहना चाहता, डरन की लड़ नहीं है, यू पहले बेसिक चीज़ों को समझने की जरूरत है, जिसे करके ये काबू पाया जा सकता है। जो बाकी बीमारियां है उन्होंने वाल ध्यान है, पर इन्हें एक हवा बना के पेश कर दिया गया मार्केट के लिए, करके जोड़े जो शेयर बाजार है वो बिल्कुल ही थले डिग चुके हैं, तो जोड़ा इन्ना पैसा फसा हो मुश्किल है वो रिकवरी। हाँ जी सर, WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया है कोरोना वायरस को, तो हमें इसे कितना डरने की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? First of all, the pandemic means that it's out of control. Now it has been separate worldwide. Don't need to be a panic. अगर हम लोग पैनिक करेंगे then we'll be in the trouble. But we have to take proper precautions. If somebody is having any signs and symptoms of coronavirus, he himself should quarantine himself. तो ये थे सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स के व्यूज कोरोना वायरस के बारे में। आप सब अपने घर में सुरक्षित रहें और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।